कोरोना वैक्सीनेशन के तीसरे चरण में प्रदेश के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने भी टीका लगवा लिया है। दोनों नेता अलग अलग समय पर पहली खुराक लगवाने रायपुर मेडिकल कॉलेज स्थित टीकाकरण केंद्र पहुंचे। यहां उन्होंने कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड की पहली डोज लगवाई। इस दौरान पूर्व सीएम रमन सिंह ने कहा कि ये काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था, विभिन्न व्यवस्थाओं और दिल्ली उत्तराखंड प्रवास की वजह से इसमें देरी हुई। आज उनको संतोष है कि कोरोना का यह टीका लगवा लिया। उन्होंने आगे कहा कि वैक्सीनेशन की पूरी प्रक्रिया में उन्हें इंजेक्शन लगने का पता ही नहीं चला। वैक्सीन लगने के बाद भी उन्हें किसी तरह का दर्द अथवा कठिनाई नहीं है। आज मेरे लिए भी और मिसेज के लिए भी एक अच्छा दिन है। हमने एक प्रक्रिया पूरी की और आज वैक्सीनेशन का काम पूरा हो गया। ये तो बहुत पहले और हो जाना चाहिए था। वैक्सीनेशन की इस पूरी प्रक्रिया में पता ही नहीं चला, इतना अच्छे से प्रिक किया सिस्टर ने कि बाद में लगा कि प्रिक हो चुका है, वैक्सीन लग चुका है। और वैक्सीन लगने के बाद भी ऐसा कोई किसी प्रकार का ना उसमें पेन है ना किसी प्रकार की अभी तक की कोई तकलीफ है। मैं पूरे छत्तीसगढ़ वासियों से और ख़ास तौर से अभी जो 60 से अबव चल रहा है और 45 से ऊपर के जो अब हार्ट की डिजीज़ से, ब्लड प्रेशर, शुगर से पीड़ित हैं, उन सब से मैं आग्रह करता हूँ कि सिर्फ वैक्सीनेशन ही बचाव है। सुरक्षा की दृष्टि से आप दोनों डोज वैक्सीनेशन लें, जल्द से जल्द लें। सभी सरकारी अस्पताल में ये निःशुल्क उपलब्ध है। प्रदेश के कृषि, जल संसाधन और संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे ने भी अपनी पत्नी के साथ कोरोना का टीका लगवाया। कृषि मंत्री भी रायपुर मेडिकल कॉलेज बूथ पर पहुंचे थे। बता दें कि उनकी उम्र 64 साल है, उनको दिल का दौरा भी पड़ चुका है। छत्तीसगढ़ पाठ्यपुस्तक निगम के अध्यक्ष और प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख शैलेश नितिन त्रिवेदी ने भी आज कोरोना वैक्सीन का डोज लिया है। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने बुधवार को रायपुर एम्स पहुंचकर कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड की पहली खुराक लगवाई थी। आज से राजनेताओं ने इसकी खुराक लेनी शुरू कर दी है।